शहर के पाड़ी पुलिस थाना अंतर्गत हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें पति ने पत्नी की हत्या की है। आरोपी ललित मारकुंडे को पुलिस ने भंडारा से हिरासत में लिया है, लेकिन अब तक हत्या की सही वजह सामने नहीं आई है। जल्द ही पुलिस मामले की तह तक जाएगी, ऐसा पाड़ी पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुनील गांगोडे द्वारा कहा गया। आए दिन शहर में हत्याओं का सत्र शुरू है। इसी क्रम में पाड़ी पुलिस थाना अंतर्गत पति ने पत्नी की हत्या का मामला सामने आया है। उमिया इंडस्ट्रीज के पास पूर्व इंडस्ट्रीज में दोनों पति पत्नी काम करते थे और पास ही में फिरियादी भी कंटेंडेंट के घर में दोनों पति पत्नी रहते थे और फिरियादी की यहाँ पर ही खाना खाती थी। रात को 11 बजे तक दोनों भी फिरियादी भी कंटेंडेंट के घर पर ही थे। दूसरे दिन सुबह ज्योति और ललित रूम से बाहर नहीं आए तो फिरियादी का लड़का देखने गया तो रूम में ज्योति खून से लथपथ पड़ी हुई थी, पति फरार था। फिरियादी ने ललित को फोन किया तो ललित ने बताया कि मैंने मेरी पत्नी का खून किया है और मैं भंडारा में हूँ। फिरियादी द्वारा पुलिस को यह जानकारी दी गई। पुलिस ने आरोपी ललित को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन फिर भी अब तक आरोपी द्वारा हत्या की वजह नहीं बताई गई। पुलिस पूछताछ कर रही है। ऐसी जानकारी पाड़ी थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुनील गांगोर द्वारा दी गई है। यह भीकन टंडन जो फिरियादी अभी हुआ है 302 का, उसके बाहर रहता था। उसके आरा मशीन में एक रूम थी ऑफिस, उसमें वो रात को सोते थे। 15 दिन पहले कुछ झगड़ा हुआ था, उसके बाद कल वो खाना वही खाते थे उसके रिश्तेदार के पास। रात को 11 बजे तक वो साथ में थे और दोनों रूम में सोने के लिए गए। ये मयत ज्योति मारकड़े और आरोपी ललित मारकड़े, सुबह उन्होंने देखा उठे नहीं, तो फिर उनका लड़का गया तो उन्होंने देखा कि यह आदमी नहीं है आरोपी ललित, और वो जो ज्योति मारकड़े खून से लथपथ गिरी हुई है। फिर जो फिरियादी हैं बिकन टंडन, उसने फ़ोन किया आरोपी को तो उसने बताया कि मैं भंडारा में हूँ और मैंने मेरे बीबी को मार दिया है, इसलिए मैं भाग गया हूँ, घबर गया हूँ। हमने लोकेशन निकाला, पार्टी भेजी और आरोपी को ताबे में लिया है। ये कोई नहीं, ये घर के मामले से हुआ है। क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या वजह है, ये हम आरोपी को पूछताछ शुरू है। उसको अटक करके PCR लेंगे, क्या कारण है वो भी देखेंगे। पति और पत्नी के बीच 15 दिन पहले किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और अब पति ने पत्नी की हत्या की। फिलहाल हत्या की सही वजह नहीं पता चल पाई है। पुलिस जांच कर मामले की तह तक कब तक पहुंचेगी, ये अब आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख, BC News, नागपुर।